Now we will do some numericals related to the that resolution of vector. First question is, a child pulled the rope attached to a stone with the force of 60 Newton. The rope makes an angle of 30 degree with ground, and then calculate the effective value of pull tending to move the stone along the ground. And second is, calculate the force tends to lift the stone vertically. इसमें क्या बोला हुआ है कि कोई चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है, किसी पत्थर के ऊपर 60 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और वो जो फोर्स है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है. मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. जो एक्स एक्सिस है दैट रिप्रेजेंट द ग्राउंड. अब कोई बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है किसी स्टोन के ऊपर जो हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, से ओ बी द ओरिजिन और एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन. और ये जो फोर्स है 60 न्यूटन की ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है. तो इसने कहा हुआ है कि कैलकुलेट द फोर्स विच एक्ट या विच पुल द स्टोन अलोंग द ग्राउंड. भी जो आपने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो किसी भी स्टोन को या इस स्टोन को ग्राउंड के अलोंग मूव करवाए, यानी कि पैरेलल टू द ग्राउंड. तो पैरेलल टू द ग्राउंड कौन सा कंपोनेंट आएगा यहां पे, एफ कॉस थीटा. यहां पर एफ को रिजॉल्व कर दो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स आएगी दैट विल बी एफ कॉस 60 डिग्री, और इसके 90 डिग्री पर जो फोर्स आएगी दैट इज एफ साइन ऑफ 60 डिग्री. तो आपसे एफ कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है. तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री, और एफ की वैल्यू हमारे पास है 60 इंटू कॉस 60 की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/2. तो 60 इंटू अंडर रूट 3/2 और 30 अंडर रूट ऑफ 3. उसी तरह से एफ ऑफ वाई जो है एफ साइन ऑफ 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री दैट इज एफ इंटू में 1/2 और 60 बाय में 2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन. यहां पर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो है लगेगी वो 30 रूट 3 न्यूटन और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 30 न्यूटन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप. लैम्डा के की लैम्डा की वैल्यू क्या होगी किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए. हमें पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. तो इसका मतलब 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, इसका जो स्केयर रूट आना चाहिए यानी कि इसका जो यूनिट वेक्टर आना चाहिए वो 1 के बराबर आना चाहिए. तो यहां पर हमने इसका मॉडुलस लेना है. तो मॉडुलस अगर हम काउंट करते हैं तो एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर प्लस जेड कंपोनेंट का स्केयर. एक्स कंपोनेंट आई कैप, वाई कंपोनेंट जे कैप और जेड कंपोनेंट के कैप. तो पहले दोनों साइड की स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड, या सिंपली इसका जो हमने या इसका जो हमने मॉडुलस यहां पर लेना है तो मॉडुलस के लिए अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्केयर प्लस 0.8 का स्केयर प्लस लैम्डा का स्केयर इज इक्वल टू
1 का स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू यहां पे आ जाती है। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो या यहां पर 1 लिख दो और रिजल्टेंट इसका 1 आना चाहिए, स्केयरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड की स्केयरिंग करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा का स्केयर इज इक्वल टू 1, और 0.16 प्लस 0.64 0.8, तो 0.8 प्लस लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 1, और लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, और यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.2 लैम्डा स्केयर, और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.√2, तो √0.2। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू को √2 रख देते हैं तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो एक्स कंपोनेंट 1 मीटर पर सेकंड एंड वाई कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज √3 मीटर पर सेकंड, एंड द अदर कंपोनेंट, दूसरी बॉल का जो कंपोनेंट है वेलोसिटीज के, vx डैश 2 मीटर पर सेकंड, vy डैश इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, या इसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड। इफ बोथ द बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ, कि कोई दो बॉल हमारे पास हैं, एक ही पॉइंट पर रखी हैं। मान लो हम एक बोर्ड कंसीडर कर लेते हैं या कोई टेबल कंसीडर कर लेते हैं, टेबल हैव द टू साइड्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट इज मोशन इन प्लेन, ठीक है। अब दो बॉल्स हमारे पास हैं, फर्स्ट बॉल के लिए हम वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वी एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है पहली बॉल का दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड, और y कंपोनेंट है फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी का दैट इज √3 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉल के लिए वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है v डैश x की जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास यहां पर आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, और vy डैश की जो वैल्यू है That is also 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आप चेक करोगे कि v डैश x जो है वो vx से ग्रेटर है, v डैश x इज ग्रेटर देन vx, उसी तरह से vy डैश जो है वो vy से ग्रेटर है, तो vy डैश इज ग्रेटर देन vy, तो इनको हमने यहां पर रिप्रेजेंट करना है vx और vy को, और v डैश x और v डैश y को x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। तो vx मान लो हमारे पास यहां जैसे आ जाता है, और v डैश x vx से बड़ा है तो v डैश x हम यहां जैसे कंसीडर कर लेते हैं v डैश x, ये हमारे पास आ गया कंपोनेंट vy, और यहां पर हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है v डैश y, क्योंकि v डैश y जो है वो vy से ग्रेटर है। तो अभी vx और vy को हम सपोज करेंगे, तो इसके लिए मुझे कंपोजिशन करना है vx और vy का, तो किस तरह से कंपोजिशन करोगे, जो x कंपोनेंट है यानी कि vx वेक्टर जो है उसके एरो हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरह से, उसी तरह से जो vy वेक्टर है उसके एरो हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरह। फिर ध्यान से सुनो, कंपोज कैसे करोगे दो वेक्टर्स को, कि हमारे पास दो वेक्टर कंपोनेंट पहले दे रखे हैं vx वेक्टर और vy वेक्टर, अभी v डैश x और v डैश y को भूल जाओ कि कोई चीज है, तो vx वेक्टर इस तरफ लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके एरो हेड से हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, उसी तरह से vy से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो दोनों जो परपेंडिकुलर जहां पर कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर, मान लो उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A,
कि ए पॉइंट पर दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रहे हैं. ज्वाइन देम से दिस रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल. दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल जो एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा वन एंगल बना रही है. जो वी वन है दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी? वी एक्स कंपोनेंट और वी वाई कंपोनेंट की. और ये जो वी वन है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा वन एंगल यहां पर बना रहा है. अब हम कंसीडर करते हैं दूसरे बॉल के कंपोनेंट्स को. दूसरा वेक्टर हमारे पास आ गया वी वाई डैश वैक्टर और वी एक्स डैश वैक्टर. तो उसी तरह से वी वाई डैश वैक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस तरह से. उसी तरह से यहां पर जो एरो हेड है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो अपवर्ड डायरेक्शन में. जहां दो परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं एक दूसरे को उसको नाम दे दो से बी पॉइंट. तो से मान लो वी वाई हम थोड़ा सा और ऊपर कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज द वी वाई वेक्टर इस तरह से. दिस इज द बी पॉइंट. अब बी पॉइंट को ओ के साथ ज्वाइन करवाओ. ठीक है. अब बी वेक्टर जो है या वी टू वेक्टर जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वी एक्स डैश और वी वाई डैश का. तो ये जो वी टू वेक्टर है मान लो एक्स एक्सिस के साथ थीटा टू एंगल बना रहा है. तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ टू बॉल्स. तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन. यानी कि इन दोनों के बीच के एंगल्स का कितना डिफरेंस होगा? दैट इज थीटा टू माइनस थीटा वन. तो सबसे पहले हमें थीटा टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद थीटा वन की वैल्यू. तो जब भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डायरेक्शन की तो हमेशा याद रखना टेंजेंट ऑफ थीटा हम कैलकुलेट करते हैं. तो टेंजेंट ऑफ थीटा वन, टेंजेंट ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू टेंजेंट जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा वी वाई. देखो यहां से यहां तक पहली बॉल के लिए That is the perpendicular, that is VY upon में VX. Base हमारे पास ये आ गया. तो VY upon में VX. VY की value हमारे पास है under root 3 और VX की जो value है that is 1. तो tangent theta under root 3 जो होता है that is for 60 degree. तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा वन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 60 डिग्री. कि टेंजेंट की वैल्यू अंडर रूट 3 जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे होती है. उसी तरह से टेंजेंट ऑफ थीटा 2 हमने कैलकुलेट करना है. तो टेंजेंट ऑफ थीटा 2 ट्राइंगल आप लोगे ओ बी सी. परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया वी वाई डैश. वी वाई डैश अपॉन में वी एक्स डैश. वी वाई डैश 2, वी एक्स डैश 2. तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1. और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री के एंगल पर. तो थीटा 1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 45 डिग्री. तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी That is theta 2 minus theta 1 is equal to 60 minus में 45 degree. Less कर दो 5 and 1. That is 15 degree angle.
दैट इज 15 डिग्री एंगल, हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ए रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू पोल्स, ए 50 न्यूटन बॉडी हैंग एज शोन इन द डायग्राम, कैलकुलेट द टेंशन इन टू पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग। सबसे पहली बात, टेंशन क्या चीज होती है? जब आप मान लो किसी धागे को या किसी रोप को फ्रीली सस्पेंड करते हो, उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, तो दैट इज द फ्री स्टेट। जब मान लो मैं उस रोप के साथ किसी वेट को अटैच कर देता हूं, मान लो एक 5 किलो की थैली को मैं उसके साथ अटैच कर देता हूं, तो उसमें एक तरह से रोप के अंदर खिंचाव सा आ जाता है और उस खिंचाव को हम क्या कहेंगे, टेंशन। तो टेंशन क्या हो गया कि जब मैं किसी चीज को स्ट्रेच करता हूं या उस पर मैं कोई फोर्स लगाता हूं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, तो उस कारण से जब उसमें स्ट्रेचनेस आ जाती है तो उस स्ट्रेचनेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज द टेंशन। तो यहां पर आपने टेंशन कैलकुलेट करनी है T1 और T2। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। मान लो कि दीज आर टू पोल्स, ये हमने कोई यहां पे एक रस्सी बांध रखी है दो पोल्स के बीच में। अब क्या करते हैं कि यहां पर मान लो एक मैं वेट लगा देता हूं, कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का कोई मैं वेट यहां पे लगा देता हूं, तो क्या होगा, धागा नीचे की तरफ स्ट्रेच होगा। जरूरी नहीं है मैंने मिड पॉइंट पे लगाया, कहीं भी लगा सकता हूं। मान लो मैंने यहां जैसे लगाया है तो धागे में स्ट्रेचनेस यहां से आएगी, तो यहां से स्ट्रेचनेस इस थ्रेड के अंदर इस तरह से आ जाती है, इस तरह से धागा स्ट्रेच हो गया नीचे की तरफ और ये हमारे पास वेट आ गया दैट इज 30 न्यूटन का। अब ये एंगल हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री, कि यहां से रोप जो है वो 60 डिग्री एंगल नीचे जाती है और दूसरी साइड जो रोप है वो 30 डिग्री के एंगल से नीचे जाती है। यहां पर जब टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो T2 है और यहां पर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो T1 है। तो आपने यहां पर T1 और T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, एक वेट ऑफ द बॉडी विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, T1 T2, और दो एंगल्स हमारे पास गिवन है। तो हम किस तरह से T1 और T2 की वैल्यू निकालेंगे? देखो अपनी तरफ से हम एक अजम्पशन करके चलते हैं कि इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पर मैं एक्स एक्सिस एक कंसीडर कर लेता हूं, सी दिस इज द एक्स एक्सिस। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहां पर अल्टरनेट में ये एंगल भी क्या बन जाएगा, 60 डिग्री का यहां पे बनेगा अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह से अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमारे पास कुछ आगे इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड्स आ रहे हैं। अब किस तरह से सॉल्व करना है वो पिक्चर हमारे लिए थोड़ी सी क्लियर होगी कि हमें यहां पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब यहां पर सबसे पहले T1 जो पहली फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, T1 जो है देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो आपको याद होगा जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने बताया था कि जो गिवन वेक्टर जिस भी साइड के साथ थीटा एंगल बनाता है उस साइड हमने कोसाइन कंपोनेंट लेना होता है, यानी कि कॉस थीटा लेना होता है। तो इस तरफ हमारे पास रिजोल्व करने पर आ जाएगा T1 कॉस 60 डिग्री। देखो T1 रेड लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, 60 डिग्री। तो T1 cos 60 डिग्री। अब मैं यहां से y एक्सिस भी सपोज कर लेता हूं क्योंकि सारी फोर्सेस को मैंने अलाइन करना है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, सर्टेन एंगल पे ना रहें, या तो अपोजिट हो जाएं या तो सेम डायरेक्शन में रहें। अब
T1 cos 60 डिग्री के 90 डिग्री पर आप क्या लोगे? T1 sin of 60 डिग्री, क्योंकि cos के 90 डिग्री पर हम sin कंपोनेंट लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? T1 sin of 60 डिग्री। अब T2 को रिजॉल्व करो। उसी तरह से T2 जो है इस रेड लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां पर हमारा जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा T2 cos of 30 डिग्री, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस साइड हम कोसाइन एंगल लेंगे, और इसके 90 डिग्री पर हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin of 30 डिग्री। तो ये हमारे पास फोर्सेस की रेजोल्यूशन हुई। अब हम नेक्स्ट इसकी इक्वेशन बनाएंगे कि अपोजिट फोर्सेस कौन कौन सी हैं और उनको हम इक्वेट करेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो वेट है हमारे पास 30 न्यूटन, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, T1 60 डिग्री एंड T2 साइन 30 डिग्री। तो हम यहां पर दो एक इक्वेशन ये बना देंगे कि 30 न्यूटन इज इक्वल टू, इसके बिल्कुल अपोजिट आपने देखना है कौन सी फोर्स है, दैट इज T1 साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस T2 साइन ऑफ 30 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस यहां पर ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, T1 साइन 60 और T2 साइन 30 की जो डायरेक्शन है दैट विल बी सेम, तो इसलिए ये एड अप होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और ये वेट के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि ये वेट को काउंटर बैलेंस कर रही है, वेट को नीचे नहीं जाने दे रही हैं, इसलिए 30 न्यूटन इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू फोर्सेस। उसी तरह से T1 cos 60 और T2 cos 30 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो T1 cos 60 डिग्री T1 cos of 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 cos of 30 डिग्री के। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने इन इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करके T1 और T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 30 न्यूटन इज इक्वल टू T1 अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस T2 इनटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2, और दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 के। हमने दो को एलसीएम लेके दूसरी साइड ले गए इसको, तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। उसी तरह से T1 cos 60 डिग्री, T1 cos 60 डिग्री यानी के 1/2 इज इक्वल टू T2 cos 30 की वैल्यू जो है दैट इज अंडर रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ T2 के। तो इस वैल्यू को लो, यहां पे पुट अप कर दो, तो 60 डिग्री या 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू T1 की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T2, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 या सिंपली 3 टाइम्स ऑफ T2 प्लस T2, 4 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल टू 60
और T2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो T2 जो है वो हमारे पास 15 न्यूटन आ गया। अगर T2 15 न्यूटन है तो हम T1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ 15, दैट इज द वैल्यू ऑफ T1, दैट इज 15 अंडर रूट 3। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। थैंक यू।